हैजल और बंद बॉल लेकर आगे बढ़े जा रहे हैं। वो हवा की तरह चीरते हुए सबको काटते जा रहे हैं। क्या स्पीड है, क्या वो इस बार गोल कर पाएंगे? हमें देखो, हमारे स्नैच की फील्डिंग को समझो। गैजल और बन ने एक साथ ही छलांग मारी। ये क्या, वो क्या कर रहे हैं? ये हमारी तबाही की ताकत है, सबसे ताकतवर टीम इस यूनिवर्स की। डेरिन, मौजिंदा है। यकीन नहीं आता माजन द हैंड टूट गया। ऐसा नहीं हो सकता उस्ताद। गैजल और बर्न उन्होंने कट्ठे शॉट मारी। हम ये क्या कर रहे हैं? इस मुश्किल घड़ी में हम एक दूसरे से ही लड़े जा रहे हैं। नेपर माफ कर दो मुझे। माफी की जरूरत नहीं, अगली बार बॉल को रोक लेना। पर एक महान टेक्निक को पाना आसान नहीं होता। मार्क ठीक है, अब हम रिफ्रेश हो गए हैं और इस बार हम उनको दिखा देंगे। बाइडेन, हम इनसे हार नहीं सकते। ट्रॉल ने बॉल छीन ली। जा नेपर यार। लो नेपर तो चला। नेपर भाई बोलने चले। ऐसा नहीं हो सकता। लो डायमंड डस्ट के बगैर भी प्रोमिनेंस फिर भी जीत सकती। हम तुम्हें रोकेंगे। रोक लिया। रिहानी तुम कर दिखाओ। पानी के थपके। बदल रही है तो गैजल और बर्न। फिर से गैजल और बर्न ने छलांग लगाई। हर्ली ने छीन ली। येलो एक्सल और येलो रेमन चली अटैक करने। क्या एक्सल फायरबॉल स्टॉर्म मारेगा? जाओ एक्सल, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इग्नाइट सील, फ्रोजन स्टील। और इस बार बूम्बा और गोका ने कट्ठे डिफेंस किया और उनके इग्नाइट स्टील और फ्रोजन स्टील ने एक्सल को हवा में उड़ा दिया। एक्सल, मैं ठीक हूं। इग्नाइट स्टील, फ्रोजन स्टील। एक्सल को उन्होंने दोबारा से रोक दिया। केओस का डिफेंस बहुत स्ट्रांग हो गया है। तो ये है यूनिवर्स की सबसे स्ट्रांग टीम। लगता है कि हम जीत रहे हैं और तुम लोग इस ताकतवर डबल डिफेंस को तोड़ नहीं सकते। ये सब कुछ मेरे पे छोड़ दो। मैं उनका डिफेंस तोड़ दूंगा। तोड़ देंगे। तुम उनका डिफेंस इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकते। कोई बात नहीं, आप लोग बस बॉल मुझे दे देना। बायरन ठीक है, सब बॉल बायरन को देंगे। बायरन, ये वाकई ही बहुत ताकतवर बचाव है। यहाँ पे सिर्फ एक ही मौका मिलेगा, इग्नाइट स्टील में और फ्रोजन स्टील में। अगर मैं अपनी पूरी स्पीड से करूँगा तो शायद वो टूट जाए। इग्नाइट स्टील। हाँ अभी। फ्रोजन स्टील।
Byron! मैं ठीक हूँ, आप लोग बस बॉल मेरी तरफ लाते रहो। युजे हैं बेचारे। पूरी ताकत से लड़ो और उन्हें बिल्कुल हरा दो। मुझे किसी ना किसी तरीके से इन्हें हराना ही होगा। बेवकूफ क्या सोच रहे हैं? अगर वो ऐसे ही करते रहे तो बायरन जख्मी हो जाएगा। बायरन, ये सही नहीं है, मैं बस बैठ के देख नहीं सकती। कोच मुझे भेजिए, मुझे अभी जाके खेलना होगा। मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकती। सूजन, तुम उनके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाओगी। मैं जानती हूँ ये सच होगा, पर अगर ये सब कुछ चलता रहा तो बायरन प्लीज मुझे जाने दीजिए ना, मुझे खेलना होगा। मैं भी एक रेमन की मेंबर हूँ, प्लीज कोच मुझे स्विच कीजिए, प्लीज कोच। इस्तीफा कर लूंगा। अब ये तमाम हुआ। बायरन अच्छा है यार। वो लगता है तुम सब फन कर रहे हो। हे मार्क, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? आज तुमसे नहीं मिलने आया यार। और तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो बताओ मुझे। जेवियर, मैं ये बिल्कुल भी मान नहीं सकता कि तुम जेनेसिस के लिए चुने गए हो। चुने गए हो? और हम अपने आप को प्रूव करेंगे। हम रेमन को हराएंगे और बताएंगे कि हम जेनेसिस के हकदार हैं, तुम नहीं। तुम दोनों अपनी हाथ में रहो। रुक जाओ जेवियर। बायरन, मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था। बायरन, बायरन उठो। क्या इस हालत में तुम्हारे लिए ऊपर आना ठीक है? हाँ, मैं काफी बेहतर फील कर रहा हूँ। आज के लिए बायरन माफ कर दो। हमारी ताकत की कमी की वजह से तुम्हारी ये ऐसी हालत हो गई है। तुम्हारी गलती नहीं है मार्क, मेरे जिंदगी में आगे भी बहुत कुछ करना है और ये मामूली डिफेंस तो मेरे लिए कुछ नहीं है। बायरन, जॉन, तुम तो छा गए। वो समझ गया। हाँ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो प्लीज। मैं तो उस कोच को माफ नहीं करूंगी आज के बाद। सूजन, तुम्हें उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, उधर खड़ी मत रहो, मानी से रोकने में मदद करो। हाँ 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 हाँ, एक्सेवियर। हाँ, क्या उसने एक्सेवियर बोला? क्या लगता है तुमने अभी तक हमारी बुरी साइड ही देखी है। परेशान ना हो, मैं हूं अगली जेनेसिस की गद्दी का वारिस। इसका मतलब क्या है? तब तक मैं इंतजार करूंगा। बहनिया, बहन, जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों।